आपने सोचा था कि अब ये लड़की है और ये अब लड़का बन जाएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। कैसा महसूस कर रही हैं ये लड़की से लड़का बन गया? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी। तो आपने सोचा था कि अब ये लड़की है और ये अब लड़का बन जाएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो बिना शहीन से ज़ैशान बन गया है? हाँ जी, ये ज़ैशान बन गया है। तो आप किस तरह देख रही हैं आपकी बरादरी में और खुशी की लहर है? हाँ जी, मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ, अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मुझे बेटा दिया है। मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा कि पहली लड़की थी और लड़का बन गए। ऑपरेशन पे कितने अखराज आए हैं आप? कोई इतने ज़्यादा अखराज नहीं आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहकार टीवी और मैं हूँ राहील अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से आए हैं? कैदाबाद ज़िला खुशाब। तो आपके बच्चे का जेंडर चेंज हुआ है और कितने साल में आपको पता लगा इसमें जिंसी तब्दीलियाँ आ रही हैं? 12 साल के बाद। तो कैसा महसूस कर रही हैं ये लड़की से लड़का बन गया? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी। तो आपने सोचा था कि अब ये लड़की है और ये अब लड़का बन जाएगा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये। तो किस तरह इसका रहन सहन था, किस तरह इसकी चाल थी? ज़ाहिर है आपने आप वालदा आप समझ थी लड़कों की तरह थी बिल्कुल, इसकी चाल चलन। ये मोटरसाइकिल चलाता था, ट्रैक्टर भी कभी कभी, इसके पापा पे ट्रैक्टर चलाते हैं ना, ट्रैक्टर भी चलाता था। हाँ जी। इसके कभी आप इसके घर के काम पर भी इस पर बोझ डालती थी? हाँ जी, बोझ डालती थी। इसका पापा कहता था कि आपकी मम्मा जो है अकेली है, काम करो इसके साथ। झाड़ू भी लगाता था, पोंछा वगैरह सब कुछ करता था, बहुत अच्छे काम करता था, साफ मुझसे भी। रुबीना शहीन से ज़ैशान बन गया? हाँ जी, ये ज़ैशान बन गया। तो आप किस तरह देख रही हैं आपकी बरादरी में और खुशी की लहर है? हाँ जी, मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ, अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मुझे बेटा दिया है। मुझे कोई महसूस नहीं हो रहा कि पहली लड़की थी और लड़का बन गए। मेरे लिए तो अभी पैदा हुआ है। अच्छा। और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, हम बात करेंगे जिनसे चेंज हुआ है, मोहम्मद ज़ैशान इनका नाम रखा गया, इससे पहले ये रुबीना शहीन थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जी ठीक हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लड़की से लड़का बने? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कभी इस तरह सोचा था कि आप जब स्कूल पढ़ते थे, घर के कामकाज करते थे और कि आप लड़कियों वाले सारे जो भी मामला थे, अब वो आप लड़का बन गया, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा कर रहा हूँ। ज़ैशान के वालिद से बात करेंगे कि उनके क्या तासुर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं अंकल? मैं कैदाबाद ज़िला खुशाब से। अच्छा, तो ये बच्चा कितनी उम्र में आपको महसूस हुआ कि इसमें लड़कियों वाली फीलिंग्स आ रही हैं, लड़कियों वाली या लड़कों वाली? 12 साल। अच्छा, तो आप ये लड़का बन गया है, तो किस तरह बरादरी की तरफ से क्या तासुरात आ रहे हैं और आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं? बिरादरी बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। कि इस ऑपरेशन पे कितने अखराजात आए हैं आप? कोई इतने ज़्यादा अखराजात नहीं आए हैं। अच्छा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुश्किल काम था ये भी? बस कोई काम नहीं होता है तो मुश्किल होता है, फिर मुश्किल को आसान करने के लिए कुछ ना कुछ औखा होना पड़ता है सर। आगे क्या प्लान है? ज़ाहिर है क्योंकि इसमें अब ये लड़की से लड़का बना है, ज़ाहिर है मुश्किल भी पेश आएंगी, क्या कहेंगे? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, लड़की से लड़का बन गए, इसको कुरान पाक सफ़त कराएंगे, फिर इसके लिए कोई अच्छा जॉब जॉब वगैरह कोई काम वाम कर लेगा। ज़ाहिर है क्योंकि पहले ये लड़की थी और ड्रेसिंग भी वही लड़कियों वाली और स्कूल में भी लड़कियों वाले में पढ़ती थी, तो अब जब ये स्कूल जाएगा तो देख के सब हैरान होंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये लड़की थी अब लड़का है, अब लड़के वाले स्कूल में जाएगा फिर लड़कियों के साथ, वो देखती हैं अभी भी देखती हैं तो कहती हैं कि ज़ैशान तुम तो लड़का बन गए। हाँ बड़ी हैरान, हाँ हैरानगुन बात है। जो अवार्ड के अवार्ड देखते हैं वो भी कहते हैं कि वाह ज़ैशान तुम तो पहले लड़की थी अब तो लड़का बन गए हो, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं। नहीं, बेटी ठीक थी कि बेटा ठीक है? बेटा माशाल्लाह, बेटी भी ठीक थी, बेटा भी अब सही है। हाँ, अब तो डबल डबल खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र ज़ैशान के वालिद से हमने गुफ्तगू सुनी, वो लड़की से लड़का बनने पर इंतहाई खुश नज़र आ रहे हैं।